आज शिवरात्रि है। देश भर में करोड़ों शिव भक्तों ने शिवालयों में जल चढ़ाया, लेकिन शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा वाला योगी का प्लान कांग्रेसियों को रास नहीं आया। कांग्रेसियों का एक प्लान है मुस्लिम फर्स्ट कांवड़िए लास्ट। कांग्रेसी अब सवाल उठा रहे हैं, फूल बरसाने को फिजूल खर्ची बता रहे हैं, हिसाब मांगा जा रहा है। हालांकि जब पहले की सरकार में सरकारी खर्चे पर मुस्लिम तुष्टिकरण के प्रोग्राम करवाए जाते थे तब सवाल नहीं उठता था, लेकिन जब मंदिर बनता है तो सवाल उठते हैं। हर उस बात में सवाल होता है जिसमें कहीं से भी हिंदुओं की बात होती है। आखिर हिंदुओं से ही कांग्रेस को समस्या क्यों होती है, दिखाते हैं आपको। मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के पर पुष्प वर्षा करो और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर। यूपी में जब कांवड़ यात्रियों पर फूलों की वर्षा होती है तो कांग्रेस को आपत्ति होती है। कांवड़ मेले का जायजा लेने के लिए जब सीएम का उड़न खटोला उड़ता है तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। हर की पौड़ी से जल लेकर शिव का अभिषेक करने के लिए जब कांवड़ यूपी में एंट्री करती है तो उसके स्वागत में खड़े प्रशासन के अमले से कांग्रेस को आपत्ति होती है। इतनी ज्यादा आपत्ति होती है कि कांग्रेस की लीडर और स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत तस्वीरों को रिट्वीट कर लिख देती है, हु इज पेइंग फॉर द पायलट चॉपर एंड द फ्लावर्स, मतलब पायलट हेलीकॉप्टर और फूलों का भुगतान कौन कर रहा है। दरअसल दिक्कत इस बात से नहीं है, परेशानी की वजह तो दूसरी है। कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि हिंदुओं के पर्व को इतना भव्य क्यों बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा बिना हंगामे के कैसे पूरी हो रही है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर सरकारें फूल क्यों बरसा रही हैं? जहां पहले रोजा इफ्तार की दावतें होती थी वहां कांवड़ियों का स्वागत क्यों हो रहा है? जहां हज हाउस और कब्रिस्तान बनते थे वहां हिंदू जागरण कैसे हो रहा है? दरअसल कांग्रेस को समस्या इस बात से है और यही बीजेपी भी कह रही है। पैसा वहीं से आता है जहां से बहुत सी सरकारें रोजा इफ्तार की दावतें दिया करती थी सरकारी कोठियों में। मुख्यमंत्री का जो घर होता है वो सरकारी कोठी होता है, वहां पर रोजा इफ्तार की दावतें होती रही, ये खर्चा वहीं से आता है। जहां पर आप देखिए हज यात्रा होती है, हज हाउसेस बनाए जाते हैं, तो जहां से हज यात्रा का खर्चा आता है, हज हाउसेस का खर्चा आता है, ये खर्चा वहां से भी आता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज से उनको हमेशा से दिक्कत रही है और ये बयान कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर पे ये बताता है कि आज कांवड़ यात्रियों पे अगर फूल बरस रहा है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो कांग्रेस पार्टी को हो रही है। धार्मिक कार्यों में सरकारी खजाने के इस्तेमाल का मुद्दा नया नहीं है, लेकिन पहले की सरकारों में इसका उपयोग केवल मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए होता था, लेकिन अब हिंदू पर्व और त्योहारों पर भी हो रहा है। अगर हज सब्सिडी की बात ही कर ले तो भारत में 1932 से हज सब्सिडी चल रही थी जिसे 2018 में मोदी सरकार ने बंद कर दिया। हज के लिए हवाई यात्रा में डिस्काउंट मिलता था, 2014 में प्रति यात्री 35,000 सब्सिडी थी। हर साल हज सब्सिडी के नाम पर केंद्र सरकार का लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होता था। 2012 से लेकर 2016 तक सब्सिडी के नाम पर कुल 3,029 करोड़ रुपया खर्च किया गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मोदी और योगी सरकार में पैसा केवल हिंदुओं के तीज त्योहारों पर खर्च हो रहा है, बल्कि अल्पसंख्यक विकास के लिए भी सरकार का एक बड़ा फंड खर्च कर रही है। 2013-14 से लेकर 2019-20 तक मोदी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 16,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से सबसे ज्यादा खर्च मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया। ये तो केंद्र की बात थी, लेकिन जिस राज्य में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद सवाल उठे वहां भी काम धर्म देखकर नहीं किया जा रहा। योगी सरकार में अगर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है तो मुस्लिम बस्तियों में भी विकास हो रहा है। संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के लिए अगर योगी 155.50 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो मुस्लिम इलाकों में विकास के लिए भी 508 करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है।
धार्मिक स्थानों पर पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ मदरसों को भी हाईटेक करने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जहां विकास हो रहा है वहां रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस को हर चीज में हिंदू और मुसलमान नजर आता है, वोट बैंक दिखाई देता है। जाहिर है सवाल कांवड़ियों पर हो रही पुष्प वर्षा पर उठाया जाएगा तो कौन खुश होगा, किसे इसमें अपना हमदर्द नजर आएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस की राज्य सरकारों में हिंदुओं को साधने के लिए कोशिशें नहीं होती, लेकिन जब बीजेपी फूलों की वर्षा करवाती है तो दिक्कत होती है। मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार राम वन गमन पथ के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार कौशल्या माता मंदिर निर्माण और राम वन गमन पथ पर 14 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार धार्मिक पर्यटन केंद्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के उत्थान के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार दिवाली पूजा के लाइव टेलीकास्ट के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। सभी पार्टियां अपने कंफर्ट के हिसाब से टोपी और टीका लगाती हैं। चुनाव आते हैं तो राहुल टेंपल रन करते दिखाई देते हैं, शिव भक्त बन जाते हैं और त्रिकुंड लगा लेते हैं। लेकिन जब कांवड़ियों के कंधे पर कांवड़ होती है, असली वाली शिव भक्ति होती है और योगी फूलों की बारिश करवाते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।